In this video we will see what is principal agent problem. तो principal agent problem में जो principal होता है वो होता है owner of the firm या फिर shareholder of the firm, जबकि जो agent होता है वो होता है manager of the firm. तो principal agent problem में problem जो arise होती है वो एक reason है उसका asymmetric information के वजह से. जो owner या shareholder होता है वो daily decisions of management पे नज़र नहीं रख सकते, और इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो आती है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव की. जो प्रिंसिपल या फिर हम कहें कि ओनर या शेयर होल्डर है उसका ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, जबकि जो मैनेजर है उसका उसका टू अर्न हिज इनकम. तो मैनेजर के लिए सिर्फ वो जॉब 9 to 5 की होती है जिसमें वो आता है और अपने काम करता है और चला जाता है, जबकि जो ओनर है या शेयर होल्डर है उसके लिए जो काम है उससे प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव है. तो हम ये जो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके जो है 3-4 मेथड्स हैं जिससे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं. पहला मेथड है कि जो एजेंट है उसको भी कुछ शेयर्स दे दो. दूसरा है कि एजेंट को हम इस तरीके के इंसेंटिव्स दें जिससे कि वो प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान दे, या फिर हम कहें कि हम जो है उसकी सैलरी जो है वो बढ़ा दें अगर हमें अच्छा प्रॉफिट हो.